हरिओम, मेरा नाम वैशाली वीरा निगम है। मैं पलासिया केंद्र इंदौर से हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अभी बहुत बीमार थी, काफी टाइम बीमार थी। मतलब 15-20 दिन मेरी ऐसी हालत खराब हो गई थी कि मेरे को पूरा खाना रिफ्लेक्ट हो रहा था। मैं जो खा रही थी वो मुझे वोमिट होके निकल रहा था। मेरे गले में ऐसा लग रहा था मुझे कि कुछ अटक रहा है, मुझे कुछ अटक रहा है। मेरी डॉक्टर ट्रीटमेंट भी हुई, डॉक्टर को भी बताया, सारी ट्रीटमेंट हुई, मेरे सारे टेस्ट हुए, ECG और मतलब दुनिया भर की सारी टेस्ट करवा ली डॉक्टरों ने, मेरी सोनोग्राफी करवाई, सारे टेस्ट करवाए और मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। कुछ भी रिपोर्ट्स में नहीं आया। मेरे आखिर पति बोले भी कि तुम्हारे रिपोर्ट्स में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तुमको हो क्या रहा है ये। तो मैं वर्धमान वृत्ताधिराज चल रहे थे, अपने वर्धमान वृत्ताधिराज कर रही थी। वर्धमान वृत्ताधिराज में 17 बार मैंने अपना हनुमंत कवच पढ़ा उस दिन और मैं बापू के फोटो को देख के रोने लग गई कि बापू ये क्या हो रहा है मुझे, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं कुछ भी खाने से डरती थी, मैं कुछ भी खाती थी मुझे पूरा मेरा एज इट इज बाहर आ जाता था खाना। तो मैंने ये मुझे हो क्या रहा है, मेरे सारे टेस्ट रिपोर्ट सब नॉर्मल है। फिर आखिरी में मेरे को बहुत जोर से वर्धमान वृत्ताधिराज का वो पठन होने के बाद रोना आया और मैं हमसा उमसी रोने लग गई, मतलब जोर जोर से रोने लग गई। और जैसे मैं रोने लगी और रोने के बाद मैं उठी और अंदर गई और उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे वो मेरे जो गले में अटक अटक हो रहा था ना, वो पूरा टोटल बंद हो गया। मतलब मुझे फील ही नहीं हुआ कि मुझे कुछ तकलीफ थी। और वो और आज का दिन मुझे गले में जरा सी भी तकलीफ नहीं है और मैं बिल्कुल एकदम नॉर्मल हूँ। और मेरा जो रिफ्लेक्ट का प्रॉब्लम था वो भी धीरे धीरे पूरा ठीक हो गया। मैं रोज उदी खाती हूँ और वो मेरा प्रॉब्लम धीरे 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 पूरा ठीक हो गया। हरिओम श्री राम अम्बन्य नाथ।